हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके ऊपर वीडियो है कि अगर हम मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं तो उसको DSLR लुक कैसे दी जाए और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी की लुक उसमें कैसे है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ फोटोग्राफी रिलेटेड ऐप्स बता रहा हूँ। अगर आप मोबाइल में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो वो आपके मोबाइल में होने चाहिए, जिससे कि आप किसी भी सोशल मीडिया पर अगर वो फ़ोटो डाल रहे हैं तो आपकी फ़ोटोज़ पर काफ़ी लोग लाइक करें, शेयर करें। वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और लास्ट 10 ईयर्स से मैं वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये आपके कौन से फोटोग्राफी ऐप्स हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें मैं आपको अराउंड 6-7 ऐप्स आपको आइडियली अराउंड 6 तो आपको ऐप वैसे बता सकता हूँ, मगर सिर्फ मेरे 6 ऐप्स से कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उन ऐप्स को भी यूज़ करके अच्छी खासी फ़ोटोज़ एडिट कर सकते हैं। तो जो मैं ये ऐप बता रहा हूँ इनमें से कुछ ऐप्स मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ और आपको खुद भी यूज़ करके अच्छा लगेगा कि आपकी फ़ोटोज़ में काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, जो कि आपकी मोबाइल की फ़ोटोज़ है उसमें भी। फर्स्ट फोटोग्राफी ऐप फॉर मोबाइल, स्नैपसीड। आपने नाम सुना ही होगा, गूगल का स्नैपसीड आता है। इसमें प्री इंस्टॉल्ड प्रीसेट्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐप जो है हमारा एंड्रॉयड के लिए और iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। सेकंड ऐप है हमारा वेस्को ऐप। वेस्को ऐप में भी हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फ़ोटो करेक्शन कर सकते हैं, रीटचिंग कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, और इसके साथ ही जब हम ऐप यूज़ करते हैं तो इसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर प्रीसेट्स आते हैं। इन प्रीसेट्स को हम यूज़ करके अपनी फ़ोटोज़ में प्रीसेट के फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ प्रीमियम करना चाहते हैं तो ये ऐप प्रीमियम ऐप में भी आता है, आप अपग्रेड करके प्रीमियम भी कर सकते हैं। थर्ड ऐप है हमारा पिक्सलर ऐप। पिक्सलर ऐप में भी आप फोटोग्राफी के लिए काफ़ी सारी एडिटिंग कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा एडोब फोटोशॉप एक्सप्रेस। एडोब ने मोबाइल के लिए स्पेशली फोटोशॉप एक्सप्रेस निकाला है, जिसमें आप कोलाज मेक कर सकते हैं और ईच इंडिविजुअल पिक्चर पे आप वर्क करके उसको जैसे करेक्शन करते हैं, उसमें शार्पनेस वगैरह जो डिटेलिंग होती है वो करके आप उसका कोलाज वगैरह भी क्रिएट करके सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ ऐप है हमारा एडोब का ही, बहुत सारे प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने प्रोफेशनल बोला आपके माइंड में ऑलरेडी नाम आ चुका है, यस दैट इज़ एडोब का लाइटरूम। जब हम फोटो पे एडिटिंग की बात करते हैं तो इसमें हम रॉ और जेपेग दोनों पे काम कर सकते हैं। तो जब डिटेल में काम करना होता है तो मोस्टली फोटोग्राफर्स लाइटरूम को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हम ईच इंडिविजुअल कलर को, ईच इंडिविजुअल जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी डिटेल में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और सिक्स्थ ऐप जो है ये है हमारा फोटो डायरेक्टर। मैं फ़ोटो डायरेक्टर नॉर्मली फ़ोटो एडिट करने के लिए, फ़ोटो पोर्ट्रेचर वगैरह लगाने के लिए खुद भी यूज़ करता हूँ, ताकि फ़ोटो में आप देखते होंगे बहुत सारे मोबाइल्स में ब्यूटी बिल्ट इन आता है, मगर मैं ब्यूटी बिल्ट इन यूज़ नहीं करके पोर्ट्रेचर लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ब्यूटी से हमारा काफ़ी डिटेल बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें मैं फ़ोटोज़ को स्ट्रेंथ कर सकता हूँ, उनका क्रॉप कर सकता हूँ, उनके ऊपर हाईलाइट को अगर ओवर हो रहा है तो अंडर कर सकता हूँ, अंडर फोटोज़ को आप ब्राइटनेस मेंटेन करके सैचुरेशन और हुए सब सेट करके फ़ोटोज़ को मोबाइल में सेव कर सकता हूँ। सेम इसमें भी प्रीमियम वर्जन भी आता है और आपका फ्री वर्जन भी आता है। फ्री वर्जन में कुछ प्री इंस्टॉल ऐप के अंदर ही प्रीसेट्स होते हैं, उसकी लिमिटेशन होती है, और प्रीमियम में आपको कई सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये थे सारे मोबाइल के लिए ऐप्स जो कि हमारी फ़ोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी डिटेल अच्छी लगी हो तो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इतनी
एंड तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।